नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन गाड़ियों के साथ ही बहुत सारा कूड़ा भी दिख रहा है। कूड़े के पास ही एक कूड़े की गाड़ी भी रखी हुई है, जहां पर लिखा हुआ है पूर्वी दिल्ली नगर निगम, यानी कि MCD के अंडर ही एरिया आ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है। MCD के चुनाव 4 दिसंबर को 3 दिन बाद आने ही वाले हैं, लेकिन चुनाव के प्रचार में लगी सरकारें इस बात को भूल गई हैं कि उन्हें साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। इस इलाके में इतनी गंदगी है, यहाँ से कूड़ा बिल्कुल नहीं उठाया जाता है। हमें साफ दिख रहा है कूड़ा इतना इकट्ठा हो चुका है। इसके बाद यहाँ की जनता किसको वोट देने वाली है और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, इस सारे बारे में हम एक बार यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं और वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार अपना मत रखने वाले हैं MCD चुनावों में, जो 2022 के चुनाव 4 दिसंबर को होने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम आशिम है। इसी इलाके के हैं आप? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। ये इलाका ऐसा ही है, कितने सालों से ऐसा ही है? ये जो आपके पीछे देख रहे हैं आप, कूड़ा घर जो है, पार्किंग ना बोलकर कूड़ा घर बोलेंगे इसे, कितने समय से ही ऐसा ही है? बहुत टाइम हो गया जी, कम से कम कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? हाँ जी, आइए आइए। भाग क्यों रहे हैं आप? भागना नहीं था, बताना था। नाम बताएंगे अपना? जी, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, कितने समय से ये इलाका ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये तो मैडम कम से कम अभी जब से यहाँ हाजी अफजाल अज्जन सकीला, जब से यहाँ से चुनाव। कौन सी पार्टी के हैं ये? कौन सी पार्टी के हैं जिनका नाम है? तुम्हारे जो अब ऑटो से खड़े हुए हैं ऑटो पे, ठीक है, वरना उनकी ये थोड़ी साफ सफाई है उनके थ्रू, ठीक है, वरना साफ सफाई है ये भी बहुत है। हाँ, ये साफ सफाई है। अगर ये साफ सफाई है तो जब कूड़ा यहाँ पर भरपूर होगा तो यहाँ का क्या हाल होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी, आगे बताएंगे कुछ और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। बाकी अगर ये है कि अज्जन सकीला और राजीव जाल ना हो तो यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे काम हो कि बहुत ही ज्यादा समझ लो पब्लिक बिल्कुल हारी बीमारी से, कोई बिल्कुल ही समझ लो बीमारी से गुजर रही है इस टाइम। कुछ बोल रहे हैं अंकल, आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम शाका है। हाँ जी, तो मैं दिल्ली रेस कोर्स से हूँ। अच्छा, इस इलाके की क्या क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? समस्या सुनिएगा आप। हाँ, समस्या कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि वो मतलब कूड़े वाले नहीं आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आज सुबह नहीं आए थे तो इसलिए ये कचरा वचरा आपको दिख रही है मैम, नहीं तो हाजी अफजाल अज्जन सकीला जो है कि हमारी फैमिली मेम्बर ही समझ लो एक किस्म के, हम उनके परिवार से ही जुड़े हुए हैं। मतलब क्या नाम है, यहाँ पे जो भी दिक्कत होती है तो वो लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिक्कतें होती है यहाँ? कोई भी, पहली बात तो कूड़ा नहीं उठता यहाँ से। हाँ, बहुत टाइम से हैं, ये तो कह रहे हैं आज नहीं, बहुत टाइम से नहीं उठता। कभी कभार उठा जाते देखने के मारे, अब जाते तुम आ गए तो कल उठ जाएगा, फिर नहीं उठेगा। अब रोज उठवाने की वो देख रहे हो गंदगी, ये सफा करवानी है। तो किसे वोट देंगे इसे, इन सब चीजों को देखते हुए? बीजेपी को। बीजेपी से उम्मीद है यहाँ की साफ सफाई होगी? इतना कुछ कर दिया, क्या पता ये भी साफ सफाई करवा दे। उम्मीद की एक किरण है। हाँ, पूरी या पूरी। आप क्या बोलेंगे? मैम जी, मैं तो ऑटो पे अज्जन सकीला को वोट दूंगा। कौन सी पार्टी से है वो, मुझे इतना तो पता नहीं है फिलहाल, निर्दल उम्मीदवार है। तो मैं तो वहीं पे। हाँ जी, हाँ जी, अंकल अपना नाम बताएंगे? इस्माइल। हाँ जी, क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की? मैं क्या बताऊँ, समस्या नहीं है आपको कोई भी? चलिए आगे चलते हैं, नाम बताएंगे अपना? मुरसलीम। क्या क्या समस्याएं हैं इलाके में? यहाँ तो हमें कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती। ये सामने आपकी इतनी बड़ी समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही? मतलब ये तो एक पार्किंग है, ये तो पार्किंग है। जब है ना यहाँ पे घर टूट गया था उस टाइम पे, जब ये दीवार तोड़ी गई थी। अच्छा। तो हाँ, बस ये दीवार टूटने की वजह से ये दिखाई दे रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कूड़ा इकट्ठा होता है सर, कितना यहाँ से मच्छर आते होंगे। जब से हाजी अफजाल और ये जीते हैं हाजी अफजाल, जब से यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती, बहुत बढ़िया काम होता है। काम बढ़िया है उनका, उन्हीं के लिए जाने वाले जो निर्दलीय उम्मीदवार जो बता रहे हैं सब। हाँ, देखो इंशाल्लाह। कुछ बोल रहे थे सर, आप नाम बताइए अपना पहले। मोहम्मद आरफिन। हाँ जी, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, आप ये कह रहे थे ना कि ये कूड़े का वो रखा है, ये पहले दीवार थी यहाँ पर, ये पीछे का एरिया था, और यहाँ का जो मामला था यहाँ पर रोज सफाई होती है। हाँ। और जो मच्छर की बात है तो उसके लिए भी दवाई वगैरह डलती रहती है। बाकी और कुछ समस्या है? पीने का पानी वगैरह सब बढ़िया आता है? देखो पीने का पानी का तो मसला ऐसा ही है, अब तो सबका ही खराब हो रहा है, थोड़ा दूर करो। हाँ जी, हाँ जी।
पीने का पानी तो ऐसा है, सब कहीं थोड़ा सा खराब ही है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है पानी में। तो किसकी तरफ वोट जाएगा? ये तो मैं फैसला करूँगा। लगता क्या है कि कौन काम करवा पाएगा? तो काम तो हाजी जी करवा रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, काम तो यहाँ हाजी जी करा रहे हैं। और दिलों की धड़कन भी अज्जन शकीला ही है यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी देखा जाएगा। आप कुछ बोल रहे थे? मेरा नाम शाकिर है, हाजी जाके वोट देंगे, आज ने लाइट भी लगा दी, पानी भी आता है, सभी तरीके का काम हुआ है, बिल भी आता है, उसमें ही देख रेख में हुआ है, यहाँ का जो भी हुआ है लाइट है, और किसी का किसी भी चीज़ में मसला देख लो, यहाँ के निगम पार्षद ने हर तरीके से सब काम करके। बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियाँ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इन तीनों से कोई उम्मीद नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ आप लोग जा रहे हैं? ये इनसे 2024 में करेंगे जो भी करना है इनसे बात। अच्छा। फिलहाल का तो हाँ जी, एनसीडी में सिर्फ उन्हीं से उम्मीद है, एनसीडी में सिर्फ इनसे उम्मीद है हमें, ठीक है ना। कैंडिडेट अपना बढ़िया है और पहचाना कैंडिडेट है और अच्छा है, जिम्मेदार है, बात को समझने वाला, पूरी करने वाला है। चलिए आइए मेरे साथ और आगे बात करते हैं लोगों से। सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सवाब है जी। हाँ जी, तो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने की उनके मन में है, आप क्या चाहते हैं, आपके आपका रुझान किसकी तरफ है, एमसीडी में किसको लेकर आना चाहते हैं? हाजी अफजल को, वही निर्दलीय उम्मीदवार जो है यहाँ के, क्यों, उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किए हैं इस इलाके के लिए? सब काम करते हैं वो, तो आधी रात को खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप अगर उनसे कोई कंप्लेन करते हैं तो आधी रात को खड़े होते हैं आपके? आधी रात को खड़े। क्या क्या काम किए हैं आपके, दो चार काम गिनाएं? सभी काम करते हैं वो, तो जो भी कहें वो भी कर देते हैं। अच्छा, जो भी हम कहेंगे वो करते थे, हो जाता है, तो इसीलिए एमसीडी में इस बार इस इलाके से उन्हीं के आने के रुझान है। क्या वही आएंगे इस बार, उन्हीं को लेकर आने का मन में है? उन्हीं को लेकर मन में है। चलिए आइए और बात करते हैं आंटी से। बेटा 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 साइड में। हाँ आंटी जी, नाम बताएंगे? मैं क्या नाम बताऊँ, मैं समझ मजदूर आदमी है, मजदूर है तो यही काम करती है बहुत समय से। तार वाले में काम करती हैं। तो क्या लगता है इस इलाके से कौन आएगा एमसीडी के चुनावों में? मुझे ना पता, ये सब आपको नहीं पता, आप वोट नहीं देंगी? मेरे कुछ है ना तो मैं वोट कहाँ से दूंगा। अच्छा, कहाँ रहती कहाँ वैसे? यहाँ रहती हूँ। अच्छा, आंटी जी नाम बताएंगे अपना? मुमताज। मुमताज जी, इस इलाके से क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है एमसीडी में? वैसे तो इधर हाजी अफजल का ज्यादा है, क्योंकि वो आधी रात को झुग्गियों में मदद करने आया, जब लॉकडाउन वगैरह लगा था एमसीडी वगैरह के, तो बहुत हेल्प की मजदूर को। हम तो भैया घरों का काम करने जाते हैं भाई, लेकिन यहाँ से हाजी अफजल की ज्यादा उम्मीद है और मैं भी हाजी अफजल को दूंगी। निर्दलीय उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी का बहुत बोला जा रहा है सीलमपुर में वैसे, कि जो हमने जितने भी इलाकों का सर्वे किया उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी, तो आपको उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी से या फिर बीजेपी से या फिर कांग्रेस से, जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, किसी निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप क्या देखकर इधर जा रही हैं? ये देख के जा रहे, देखो भाई जो वो मेरी आधी रात को खड़ा है, तो अब केजरीवाल तो आए हैं, तो आए तो है नहीं है, बस वो तो वहीं से बोल रहे हैं, इधर से तो कोई कुछ हुआ क्या, क्या किया है उन्होंने हाजी अफजल जो बोल रही हैं आप, उन्होंने क्या क्या समस्याएं आपकी सुलझाई हैं? ये सुलझाया, देखो नालियों की सफाई, लाइट वगैरह। अच्छा। जो कोई मतलब झगड़े वगैरह होता है तो आधी रात को खड़े होते हैं। शुक्रिया। हाँ जी अंकल, कुछ बता रहे थे आप, बताइए। हाँ ये देखो, हमारी गलियाँ सारी खराब है, दो चार जो गलियाँ हैं वो नहीं बनी है, बाकी आगे की बन चुकी हैं। यहाँ हमारी पाइपलाइन भी जा रही है, बीच में से नाली खुली हुई है। देखो यहाँ ये बच्चे गिरेंगे नहीं गिरेंगे? बिल्कुल सब गिरेंगे। ये हमारी गलियाँ क्यों नहीं बननी है? कब से ऐसी है ये गलियाँ? ये कई साल हो गए ऐसी है, जब से ये झुग्गी गिरी है ना, जब से ऐसी है। हाजी अफजल जी आप कह रहे हैं, उन्होंने ये काम क्यों नहीं करवाया? तो अरे हाजी अफजल लोग करवाने कह रहे थे, वो हुआ ही नहीं। अगर वो कह रहे थे तो क्यों नहीं हुआ? मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैम जी, ये जो झुग्गी गिरी थी ना, उसकी वजह से उस समय से ऐसे थोड़ा सा ये संविधान उन्होंने नहीं उठाया था कि मतलब ये बनवाएंगे, उसके बाद गली पड़ जाएगी। ठीक है, कब तक लग रहा है बनेगी ये झुग्गी बन जाएगी? यहाँ पे जो परिवार के व्यक्ति थे काफी, मतलब क्या नाम है, वो लोग रहने लगेंगे, तो ये आपका ये भी काम हो जाएगा। अच्छा, और कुछ है? और आप कुछ कह रहे थे कि ये ऐसी सड़क यहाँ ही नहीं है, आगे भी है, कहाँ कहाँ पर है? नहीं ये दो एक ही सड़क है, बाकी सब सही है।